वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस अग्नि जैसे घातक मिसाइल है, जिससे भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को त्रास करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक और घातक मिसाइल बनाने जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक मिसाइल है। दरअसल इस मिसाइल का नाम MK-1 है, जो कि हवा से हवा में वार कर सकती है। इस मिसाइल को खास तौर पर सुखोई जेट के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा ये मिसाइल आवाज की गति से 4 गुना भी तेज है। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है। इसके कारण पाकिस्तान का मिसाइल JF-17 को आसानी मारकर धरती पर गिराया जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे DRDO ने डिजाइन किया हुआ है और भारत के एक कंपनी बनाने जा रही है। ये माना जा रहा है कि 2022 के लास्ट ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। खतरनाक मिसाइल कौन सी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अब इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? ऐसा इसलिए ईरान लगातार हमास के साथ मिलकर आतंकवाद बढ़ाता है और साथ ही कुछ सालों से परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार की परीक्षण नहीं रुकेगा, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ईरान की तरफ एक भी गोली चलाता है तो हम इजराइल में मिसाइलों की बारिश कर देंगे। साथ ही ईरान ने एक मैप जारी कर दिया जहां पर वह मिसाइल गिराने वाला है, जिसके बाद इजराइल ने अपनी 100 फाइटर जेट को युद्ध अभ्यास के लिए उतार दिया। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन जैसे ही हवा में आए, देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज किसी देश का काम तमाम हो ही गया। ऐसे में इजराइल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमेरिका भारत को रशिया के खिलाफ करने के लिए कभी भारत के ऊपर दबाव बनाता है तो कभी भारत के सामने दोस्ती का हाथ फैलाता है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत को $500 देने की बात कहा है और कहा है कि भारत रूस का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा के लिए रूसी हथियारों पर निर्भर है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत रशिया उसके ऊपर से निर्भरता कम करके अमेरिका से हथियार खरीद सकता है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया कि हमने रूस पर निर्भरता कम करके आपसे हथियार खरीदना चाहते हैं, लेकिन रशिया हमें हथियार के साथ साथ उसको बनाने की तकनीक और किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की आजादी देता है। और आप भी हमें हथियारों के साथ साथ उसका तकनीक दो तो हम अमेरिका से हथियार जरूर खरीदेंगे। ये सुनने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट को 4 दिन से बुखार लगा हुआ है। जरूर बताएं कि भारत ने क्या सही बोला है। रूस ने अपना सबसे खतरनाक लेजर हथियार युद्ध में उतार दिया है, जिसे देखकर अमेरिका और नाटो देश डरे हुए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन वार में रशिया को सबसे ज्यादा परेशानी तुर्की के ड्रोन से आ रही थी। तुर्की के ड्रोन की वजह से ही रूस के मोस्कोवा टैंक जहाज की जानकारी यूक्रेन की सरकार के पास जाती थी, जिससे निपटने के लिए रूस अपना ये लेजर हथियार उतार दिया। इस लेजर हथियार को किसी भी ड्रोन या फाइटर जेट को आसानी से गिराया जा सकता है। अमेरिका और तुर्की इस हथियार से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये लेजर हथियार धरती से किसी भी सैटेलाइट 1 सेकंड में राख में बदल सकती है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है कि इस हथियार के पीछे भारत का हाथ है। आपको क्या लगता है, क्या यह बात सच है? अभी तक तो पूरी दुनिया को रूस का यूक्रेन पर हमला किसी को रास नहीं, और रूस एक नए दूसरे देश पर हमला करने की तैयारी कर दिया है, और वो देश है फिनलैंड। यह रूस के साथ लगता हुआ एक यूरोपियन देश है, और ये भी नाटो ज्वाइन करने के लिए उतावला है। और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक नाटो का सदस्य हो जाएगा, और यही बात रूस को रास नहीं आ रही और है। फिनलैंड बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिक और खतरनाक हथियार वहाँ पे मौजूद कर दिया है, जिसके बाद रूस को फिनलैंड पर हमला करने की बात आ रही है। लेकिन बात यह है कि जो रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाया तो क्या वह फिनलैंड को हरा पाएगा? रूस का कहना है कि उसका इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है, वो नाटो ज्वाइन करने से यूक्रेन को रोकना चाहता है और लगातार यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, और जिसके चलते लगभग 50 लाख लोग यूक्रेन को छोड़कर भाग गए हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन पर लगभग 80 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, और जो मासूम लोग मरे वो तो अलग है। और अगर फिनलैंड पीछे नहीं हटा तो उसका हाल भी यही होगा, क्योंकि रूस उसे काफी ज्यादा ताकतवर है, और जिस अमेरिका नाटो के लिए वो सब ये कर रहा है, ये लोग उसका भी साथ छोड़ देंगे बिल्कुल यूक्रेन की तरह। आप इस देश को क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।